पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर निर्णय सोनिया गांधी को करना है, लेकिन आपको एक रिपोर्ट के द्वारा आइए हम ये बताते हैं कि कांग्रेस के पास अब विकल्प क्या है। अशोक गहलोत क्या कर सकते हैं, सचिन पायलट को कांग्रेस किस तरह से समझाएगी, देखिए। कहां तो तैयारी 2024 की थी, अध्यक्ष बनाने की थी, मुख्यमंत्री चुनने की थी, और कहां सब गड्डम गड्ड हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे होगा क्या, किसके पास क्या विकल्प है। सबसे पहले बात गांधी परिवार की, क्योंकि राजस्थान की खींचतान के बीच सबकी नजर आलाकमान पर टिक गई है। कांग्रेस गहलोत को समझाने की कोशिश कर सकती है, साथ ही उनसे नाराज विधायकों को मनाने की बात भी कह सकती है। हालांकि मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि गहलोत इतनी आसानी से मान जाए, क्योंकि सचिन पायलट गुट के खींचतान के पीछे गहलोत को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। दिल्ली से पहुंचे ऑब्जर्वर भी इसे अनुशासनहीनता ठहरा रहे हैं। सर देखो, पार्टी को यूनाइटेडली रखना है और पार्टी को पार्टी के अंदर डिसिप्लिन रहना चाहिए, और ये जो जो चीजें यहाँ घटना घटी उसका गहलोत के इनकार कर देने पर संभव है कि कांग्रेस पायलट की जगह सीपी जोशी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए और पायलट को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दे दें। मगर इस फॉर्मूले को पायलट मानेंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता। तीसरा विकल्प ये है कि गहलोत सीएम बने रहें और कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर किसी और का नाम विकल्प के तौर पर चुना जाए, और इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि राजस्थान के संकट के बीच आलाकमान ने कमलनाथ को दिल्ली बुला लिया है। चौथा विकल्प ये हो सकता है कि व्हिप जारी करके पायलट का समर्थन करने के लिए कहा जाए, मगर इससे पार्टी के टूटने की संभावना है। इसी संकट को लेकर अब जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है, तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा, और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्ष को रखा है, और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे। तमाम विकल्पों पर पार्टी के भीतर चर्चा होगी, सभी संभावनाओं पर बात होगी, लेकिन जयपुर में जैसे हालात बने हैं उससे साफ है कि ये लड़ाई अभी आगे और बढ़ेगी। केरल से सुप्रिया भारद्वाज के साथ मौसमी सिंह, देवंकुर और शरद कुमार, जयपुर आज तक।